यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बहुजन समाज पार्टी में एक और तूफान आया है और ये तूफान लाने वाले हैं पार्टी से निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया के सामने ऑडियो टेप जारी किया है। उनका दावा है कि ऑडियो टेप में मायावती और उनके बीच बातचीत है। जी न्यूज नसीमुद्दीन के आरोपों की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल मायावती की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि नसीमुद्दीन के इल्जाम उनकी मुश्किल और बढ़ा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी में खलबली मची हुई है। यूपी में करारी हार के बाद सदमे के दौर से गुजर रही बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर बड़ा आरोप लगा है। कभी मायावती के खासम खास रहे और अब बीएसपी से निष्कासित नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ में मीडिया के सामने एक ऑडियो टेप जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती ने मेंबरशिप बुक के नाम पर 50 करोड़ रुपए लाकर दफ्तर में जमा करने की बात कही। ठीक ठीक बहन जी, मोदी नगर। हाँ, और एक लोनी वाला है। लोनी जी बहन जी। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, वो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। अच्छा, जला रुक जी। हाँ जी बहन जी, उससे बात तो हुई थी। नहीं, और ये आपके आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने अपनी जिम्मेवारी से दिलवाई थी उनको किताबें। नहीं बहन जी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। बोलो, वो जो सवाल खास वाला है जी बहन जी, मोदी नगर वाला है, वो मुस्लिम है। मैं बोलता हूँ बहन जी, अब जरा तो काम निबट जाए तो मैं चला भी जाऊँगा। मैं चला भी जाऊँगा। शर्मा वाला ये ठीक नहीं है, वो आना खानी कर रहे हैं। मैं बहन जी चला भी जाऊंगा, जरा इधर वो हो जाए। और बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता, मैं बहन जी आपके आदेश के तहत काम करूंगा। ये तो आपके आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए। और बहन जी जो आपका आदेश है, मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको पहुँचूंगा। बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की इस सर्जिकल स्ट्राइक से मायावती का बेचैन होना लाजमी था। मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये स्पष्ट हो गया है कि जो आदमी बीएसपी में रहकर जिसको इतना बढ़ावा दिया हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को टेप कर सकता है और उसको अपने हिसाब से काट छाट करके मीडिया के सामने दिखा सकता है, तो वो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जहां जहां भी मैंने इनको लगाया तो वहां इन्होंने टेपिंग ब्लैकमेलर के रूप में काम करके किस तरीके से हमारे मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया, कितना मूवमेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोबाइल पर टेप की गई बातचीत को मीडिया के सामने सुनाते हुए दावा किया कि जिन लोगों को यूपी चुनाव में टिकट बांटे गए थे उनसे मायावती ने पैसे मांगे थे और 50 करोड़ रुपए देने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाया कि मायावती ने कहा था कि प्रॉपर्टी बेचकर पैसा पार्टी को दो। नोट करो जी बहन जी, ये जो चारों मंडल हैं जी बहन जी, तो ये मेरठ मंडल जी बहन जी, सहारनपुर मंडल जी बहन जी, ये मुरादाबाद मंडल और बपेली मंडल जी बहन जी, तो जिनको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलवाई हैं जी बहन जी, तो उनको बोलो अपना हिसाब इधर दफ्तर में जमा करें। 9 तारीख को उनको बुलाना। ठीक है भाई, 9 परसों अपना हिसाब बोल दो। अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला, वो भी अपना हिसाब कंप्लीट करके लेके आए जी भाई जी। कल उससे बात हुई थी। नहीं छोड़ो, मैं टेलीफोन पे भी बात करना चाहती हूँ। मतलब बहन जी, मैंने बात यह है, आप उनको बुलाओ। मैंने नहीं दिलवाई बहन जी, दत्ता सिंह राव थे, जिलाध्यक्ष थे, सब लोग पीछे पड़ के उन्होंने दिलवाई। मैंने आप उनको बुलवाओ, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप अपनी जिम्मेवारी लो। टिकट तो आपने दिलवाया था ना,
बहन जी टिकट भी मैं नहीं चाह रहा था, आप बुला के कुछ है अपनी जिम्मेवारी को निभाओ मंदिर। नहीं जो आप देंगे जिम्मेदारी निभाना बहन जी, उसमें मैं पीछे नहीं, मैंने कोई मेंबरशिप की बात दी है ना दिलाई, अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। नहीं बहन जी भाग के कहाँ जाएंगे, अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि जो मैंने अभी नए लोग लगाए उनको ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं एक्शन लूंगी इनके खिलाफ। बहन जी जो आपका आदेश होगा सब आपसे मेरे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने कहा कि भाई आप भी थोड़ा देख लेना, इन्होंने ज्यादा किताबें ली जोश दिखाते हुए कि नहीं मेरे लोग जीत जाएंगे, तो मेंबरशिप की किताबें वो प्रदेश कार्यालय से लेकर गए और मैंने उनको कहा कि भाई देखो इलेक्शन अनाउंस जब हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने ये कहा कि ये किताबें आप लोग जमा करो, पैसा जमा करो, और नोटबंदी उससे पहले हुई थी तो वही पैसा हमने जो पूरे देश से आया था हमने बैंक में पार्टी के अकाउंट में जो आ गया था वो हमने जमा कराया था, जिसको इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया था। मायावती के शासनकाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने मायावती के साथ बातचीत के ऑडियो टेप सार्वजनिक कर दिए हैं। नसीमुद्दीन का आरोप है कि मायावती ने चुनाव हारने के बाद मुसलमानों को गद्दार कहा और किसी भी सूरत में पार्टी को रुपए लाने के लिए दबाव बनाया। मायावती पर लगे आरोप गंभीर हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि नसीमुद्दीन के दावे अगर सही हैं, तो अब तक वो इस मामले में खामोश क्यों थे। बहरहाल उनके आरोपों ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ।